बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं, और जो बहन भाई दुख और तकलीफ में, अल्लाह पाक उनकी दुख और तकलीफ को दूर अता फरमाए, और जो बहन भाई बाहर के मिला के, अल्लाह पाक उनको लंबी जिंदगी दे, सेहत वाली। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो माशाल्लाह से आज हम बहुत ही स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं, हमने कहा आप सबके साथ भी शेयर करते हैं। तो अभी जो मैं साबुत धनिया को जो है ना गनगना कर रही हूँ, पीस रही हूँ इसके अंदर, और जो है ना आज की वीडियो आपने फुल वॉच करनी है। जो बहन भाई चैनल पर नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और आज हम बना रहे हैं बैंगन मसाला तवा फ्राई, तो आपने वीडियो के साथ रहना है, तो आपको भी बहुत ही जो है ना अच्छी लगेगी ये रेसिपी, हमें भी बहुत पसंद है। बस हमारी धनिया जो है ना दनदना कर ली है, बस हमने इनको, तो अभी जो है ना चले हम ये बैंगन काट ली है, और फिर जो है ना हम बनाना शुरू करेंगे। ऊपर रखें माशाल्लाह से अम्मी ने बैंगन के दो दो हिस्से कर लिए हैं, तो अभी इनके अंदर कट लगाएंगे। तो मैं जब तक इसके अंदर जो मसाले डाल लेती हूँ, उसी के अंदर जो है ना हमने सारे मसाले मिक्स करने हैं। अभी जाएगी थोड़ी सी हल्दी, एक चम्मच मिर्चों का, नमक हसबे जायका, और थोड़ा सा चाट मसाला ताकि थोड़ा सा जायका बन जाए इसके अंदर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और फिर इसके अंदर मैं नींबू निचोड़ लूंगी। ये देखिए कि बैंगन को आपने कुछ इस तरह से कट लगाना है ताकि इसके जो है अंदर तक मसाला जाए। अम्मी कट लगा रही है, देखो अब इसके अंदर अच्छे से जो है ना मसाला लगा लेंगे, ताकि जो है ना ये हमने कट लगाए थे इनके अंदर भी चला जाए। तो जब तक अम्मी आग जलाकर जो है तेल गरम कर लेंगी, फिर इसको फ्राई करेंगे। देखें अब ऐसे ही हम सब के ऊपर जो है मसाला लगा लेंगे। तो हमने सारे बैंगनों को मसाला लगा लिया अच्छे से, देखें। तो अभी जो है ना अम्मी ने तेल भी गरम कर लिया, घी को अच्छे से गरम कर लिया है, तो अभी इसके ऊपर फ्राई करते हैं। तो पहले ये जो है ना हम इस तरह के कुछ तवे पर रखेंगे, क्योंकि इसका हम ऊपर की तरफ होना चाहिए जो मसाले हमने लगाए थे। ये अभी कुछ रख कर ये अभी हमने रख दी। तो अगर एक साइड माशाल्लाह से पक चुकी है, अभी दूसरी साइड पर लग देते हैं मिर्ची। देखे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही जो है ना मजे के हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो अब जो है ना इसको हम ढक देते हैं, ताकि जो है ना अच्छे से ये पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये फराज इसके ऊपर दे देते हैं। चलो अभी जो है ना इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए,
और फिर अच्छे से पक जाएंगे तो आपको फिर हम इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के पकते हैं और बहुत ही जो है ना हमें पसंद भी हैं और हम बहुत ज़्यादा खाते हैं और जल्दी से झटपट बनने वाली है रेसिपी है। आप लोगों ने अपने घर में भी ज़रूर ट्राई करनी है और हमें भी बताना है कि कैसी बनी है। और हमारा काफ़ी दिनों से दिल भी कर रहा था तो अमित को कहा कि हमें जो है ना ये बैंगन वाली अपनी रेसिपी बना कर देनी है। तो अमित जो है ना आटा गूंथ रही हैं गन बिल्कुल तैयार हैं दोनों साइड से। अभी जो है ना हम इनको निकाल लेते हैं। बहुत ही जो है ना यकीन मानिए अच्छी खुशबू आ रही है। गन बिल्कुल तैयार हैं, देखें अच्छे से पक चुके हैं और जो है ना गोल्डन गोल्डन हो गए हैं माशाल्लाह से। बहुत ही जो है ना मज़े के बनते हैं, आप लोगों ने भी ट्राई करने घर में और जो है ना हमें कमेंट करके बताना है आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी है। और अभी मैं आपको चक्कर बताती हूँ कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही जो है ना लजीज बने हैं, बहुत ही जो है ना मज़े के हैं और स्पाइसी हैं और यह जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी है। और जिसमें बहन बहन ने खानी है तो वो आज बिस्मिल्लाह करें। बैंगन हमारे बिल्कुल तैयार हैं। तो इसी के साथ वीडियो भी ख़त्म होती है, तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।